हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज की इस वाली वीडियो में मैं सरवाइव करने जा रहा हूं 100 डे इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट हार्डकोर एक माइनक्राफ्ट वालों का एक फीचर है जिसमें अगर इस वर्ल्ड में अगर आप मर जाते हो तो आप वापस स्पॉन नहीं हो सकते, आप अपने वर्ल्ड को सिर्फ इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो इस 100 डे वाली वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको भी पूरा पूरी इन्जॉय करना है वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो में एंड तक बने रहना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वाली वीडियो में हम लाइक एम रखते हैं 100 लाइक का ओनली, तो आप 100 लाइक कंप्लीट करवा देना इस वाली वीडियो पे। और आज की ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। डे 1 को मैं स्पॉन एक विलेज के पास, जो मेरे लिए बहुत ही लकी स्टार्ट थी। वहाँ पर मैंने फिर पास में से मैंने बहुत सारी वुड तोड़ी एंड वहाँ पर मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना के फर्स्ट मैंने एक वुड की पिकेक्स बनाई। वुड की पिकेक्स बनाने के बाद मैंने बहुत सारे स्टोन तोड़े वहाँ से एंड अपने सारे टूल्स को मैंने स्टोन में अपग्रेड कर दिए। एंड फिर मैंने विलेज में से बहुत सारे हेबेल तोड़ा जो कि विलेज में बहुत सारा था, और उसके बाद वहाँ के आयरन गोलों को मैंने मारा और मैं भी मरते मरते बच गया। और उसके बाद मैंने वहाँ के जो विलेज को लूटा, ब्रिमवी स्टैंड एंड एक ब्लैक स्मिथ के घर से मुझे एक आयरन की चेस्ट प्लेट मिल चुकी थी, उसको मैंने पहना और विलेज के आगे चला गया। विलेज के मैं थोड़ा आगे आया, मैंने देखा कि मेरे पास में एक पिलेजर की आउटपोस्ट है जो मेरे लिए बहुत लकी था। शाम को मैंने अपना सारा सामान वहाँ पे लगा दिया एंड डे 1 की रात को मैं वहाँ बेड लगा के मैं सो गया। सोने के बाद डे 2 को मैं अलग जगह आ गया था विलेज के साइड में, और वहाँ पर मैंने एक अंडरग्राउंड एक रूम बनाया, वहाँ पर अपना सारा सामान रखा मैंने और बाहर मैंने ट्रैप डोर से कवर कर दिया। उसके बाद डे 2 को मैं सो गया एंड डे 3 को मैं डायरेक्ट माइनिंग पे चला गया। फर्स्ट मुझे बहुत सारा आयरन मिला एंड मैं मुझे अपना जो फर्स्ट डायमंड था वो मुझे बहुत जल्दी मिल गया। उसके बाद मैंने एक आयरन की पिकेक्स बनाई, मुझे वहाँ पर 5 डायमंड मिले थे टोटल, तो मैंने 5ों डायमंड को वहाँ से तोड़ लिया एंड मैं आगे माइनिंग पे चला गया। आगे मुझे बहुत सारे डायमंड मिले लेकिन मैंने उनमें से एक भी डायमंड को नहीं तोड़ा, क्योंकि मैं पहले एक 43 की पिकेक्स चाहता था, फिर मैं उन सारे डायमंड को तोड़ना चाहता था। तो मुझे बहुत सारे डायमंड मिले लेकिन मैंने एक को भी नहीं तोड़ा क्योंकि मैं 43 की पिकेक्स चाहता था। उसके बाद मैं वापस आया अपने केव में एंड वहाँ से मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बनाई। वहाँ से मैंने फिर बहुत सारे ऑब्सिडियन को तोड़ा एंड डे 5 को मैं एक प्लेजर का आउटपोस्ट लूटने चला गया, वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था। वहाँ से एक अच्छी सी MLG की मैंने एंड वहाँ से वापस आ गया। ट्रैप डोर का मैंने एक फार्म बनाया, वहाँ पर दो काउस को लेके आया पहले जो पास में मिल गए मुझे, उन दोनों काउ की मैंने वहाँ पे ब्रीडिंग करवाई एंड फिर मैंने बहुत सारे शुगर केन प्लांट किए अपने घर आसपास। फिर मैं अपना घर बनाने में लग गया क्योंकि मैं बहुत अच्छा बनाना चाहता था एंड मेरा घर बन के कुछ ऐसा लग रहा था लास्ट में जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस घर की वीडियो जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ कि वीडियो घर की रिकॉर्ड नहीं हो पाई। यहाँ पर चेस्ट रूम था एंड उसके बाद मैं अपना गायों का जो फार्म है वो बनाने लग गया था, गायों को बाड़ा, तो इसे मैं अच्छा बनाना चाहता था, तो उसमें थोड़ी मेहनत लगी एंड इसमें मैंने थोड़े डेकोरेशन भी किया आगे एंड मैं अपनी सारी काउस को उसके अंदर फिर मैं लेके आया। और एंड दी एंड मेरा जो काउ फार्म था कुछ ऐसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो देखने में। फिर उसके बाद मैंने एक अपना पर्सनल रूम बनाना स्टार्ट किया एंड उसको मैं थोड़ा एपिक बनाना चाहता था, तो उसको मैंने कुछ ऐसा बनाया। फिर मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया, उसको एक्टिवेट किया मैंने एंड मैं नेदर पोर्टल में चला गया। वहाँ जाके फर्स्ट मैंने एक सेफ्टी रूम बनाया अपने लिए, वहाँ से बहुत सारे क्वार्ट्ज तोड़ा लेवल 30 करने के लिए। फिर मेरे जो XP लेवल 30 होने के बाद मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। वहाँ से मैंने फिर एक एन्चेंटमेंट रूम बनाना स्टार्ट किया, एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाई एंड उसको प्लेस किया और अपना जो गाय को मारा मैंने पहले थोड़ा बहुत सारी गायों को, और अपना जो एन्चेंटमेंट रूम था उसको मैंने कम्प्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी जो डायमंड की पिकेक्स थी उसको मैंने एन्चेंटमेंट किया एंड मैंने एक विलेज को मैंने बहुत सारे विलेजर को कैद किया। वहाँ से मैंने 4-5 विलेजर कैद कर लिया वहाँ पे एंड विलेजर ट्रेडिंग करने लग गया। फिर मुझे एक सिल्क टच की पिकेक्स मिली, फिर वहाँ से मैंने अपने सारे डायमंड और को तोड़ के ले आया मैं घर पर एंड एक विलेजर से मैंने 4 Fortune 1 की पिकेक्स बना के एक Fortune 3 की पिकेक्स बनाई मैंने। फिर Fortune 3 की पिकेक्स से मैंने अपने सारे डायमंड्स को लगाया एंड सारे डायमंड्स को मैंने तोड़ा
क्योंकि मुझे बहुत सारे डायमंड मिल गए थे। ओवरऑल मुझे 45 डायमंड मिल चुके थे। उनसे मैंने एक डायमंड का फुल आर्मर बनाया, उसको मैंने अभी के लिए रख दिया क्योंकि अभी उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने अभी उसके रख दिया। एंड मैं वापस नेदर पोर्टल में फोर्ट्रेस ढूंढने गया, लेकिन मुझे फोर्ट्रेस नहीं मिली। मैं वापस आ गया डे 24 को, एंड मैंने एक विलेजर से ट्रेडिंग स्टार्ट की और मुझे मेंडिंग की बुक मिल गई। तो मैंने उससे एक मेंडिंग की बुक एंचेंटेड की ली, मैंने अपनी पिकेक्स पे लगा दी उसको। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी वुड काटी, विलेजर से ट्रेडिंग की। फिर मैं एक बार और फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए चला गया। इस बार मैं एक दिशा में गया था और मुझे बहुत जल्दी एक फोर्ट्रेस मिल गई। मैंने वहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स को मारा, बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारा, एंड वहाँ पर मैंने लूट भी की। बहुत सारे विलेजर्स को मारने के बाद मैंने वहाँ से नेदर वॉट लिया, एंड मैं वापस घर पे आ गया, अपने सारा सामान रखवाया, मुझे 9 ब्लेज रोड मिल गई। उसके बाद मैंने एक विलेजर का होल बनाना स्टार्ट किया। वहाँ पर विलेजर को लेके आ गया मैं एक को, वहाँ पर अपने सारे विलेजर को मैं लेके आ चुका था। उसके बाद मैंने एक डॉगी को टेम किया और अपने सारे डायमंड आर्पर पर मैंने मेंडिंग की जो एंचेंट लगाई। उसके बाद मैंने बहुत सारे आलू और कैरेट ग्रो किए, उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट की मैंने विलेजरों की, एंड फिर वुड काटी मैंने, फिर विलेजर से मैंने ट्रेडिंग की। ये बहुत ही बोरिंग काम था, इसको मैंने किया। और एक विलेजर से मैंने 4 प्रोटेक्शन 4 की बुक है वो मैंने खरीद ली, एंड अपने सारे आर्मर पर प्रोटेक्शन 4 लगा दी मैंने। उसके बाद मैंने डायमंड का आर्मर पैर पहन लिया मैंने, और फिर मैं कुछ नए ब्लॉक माइनिंग करने के लिए चला गया। फिर मैं आके मैंने एक स्पाई ग्लास बनाया जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैंने फिर वुड काटी, फिर विलेजर से मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग की, एंड मैंने फिर वुड काटी, फिर ट्रेडिंग की। फिर मैंने एक विलेजर से बहुत सारी अनब्रेकिंग 2 की बुक बाय की और उन सारी को मैंने अपने डायमंड के आर्मर पर लगा दिया। फिर मैंने वुड काटी बहुत सारी, फिर मैंने ट्रेडिंग की, ये बहुत ही बोरिंग काम था। उसके बाद मैंने 2 लूटिंग की 2 की बुक परचेस की, एंड कुछ गोल्डन कैरेट भी परचेस की विलेजरों से। अपनी 100 पे मैंने लूटिंग 3 की एंचेंटमेंट लगाई, और 2 शार्पनेस 2 की बुक भी मैंने एक विलेजर से जो है परचेस कर ली, उसको मैंने अपने सोर्ड पे लगाए मैंने। फिर मैं वापस नेदर पोर्टल गया, वहाँ पर मैंने बहुत सारे ब्लेजर रोड को मारा, क्योंकि इस बार मेरे लिए मारना बहुत आसान था कि मेरे पास लूटिंग 3 थी। तो मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया, मेरे पास अब 40 ब्लेज रोड के साथ मैं वापस आया था। फिर मैं माइनिंग पे चला गया थोड़ी देर, फिर वहाँ पर मुझे 11 डायमंड मिले टोटल। फिर मैंने रेड की तैयारी करना स्टार्ट की, क्योंकि अब टाइम था अपने विलेज पर रेड कराने का। मैंने बहुत सारे फैंटम्स को मारे पहले, एंड अपना जो विलेज था उस पर मैंने छत बनाई, और फिर अपने मैंने तैयारी चेक कर ली अपनी सारी। फिर मैंने विलेजर के बॉस को मारा, एंड अपने विलेज पे जो रेड स्टार्ट करवा दी। इस रेड को कराने बहुत मज़ा आया, तो मैंने भी और गोलम ने इस रेड को आसानी से जीत लिया। और मैंने एक बो भी बना ली थी बीच में, तो मैं दिखा नहीं पाई वीडियो में, तो इस बो ने मुझे मेरी बहुत हेल्प की। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट टोटम ऑफ अंडाइंग लिया, और लास्ट वाले लेजर को मारकर हम रेड जीत गए। उसके बाद मैंने बहुत सारे पोशन बनाए, और मेरे जो सारे पोशन तो बन के तैयार हो चुके थे, एंड मैंने फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए चला गया। मुझे फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था, एंड मैं नेदर पोर्टल में आया। कुछ एंडरमैन को मारे मैंने, और मैंने वहाँ से एंडर पर्ल कलेक्ट की, एंडर आई कलेक्ट की, वापस आया और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में चला गया। वहाँ पे मैंने बहुत सारी क्रिस्टल को मैंने तोड़ा, जो मेरे लिए बहुत ही आसान काम था उनको तोड़ने के लिए, और फिर मैं एंडर ड्रैगन को मारने लग गया। फिर मैंने लास्ट वार अपनी जो है बॉस से किया, एंड वो मर गया। उसके बाद मैंने सारी एक्सपी कलेक्ट की, और मैं अब एंड सिटी में चला गया। एंड सिटी में डायरेक्टली एंड शिप के ऊपर स्पॉन हुआ जो मेरी, और वहाँ पर मैंने बहुत सारी लूट करी, एंड वहाँ से अपना जो इलाइटर ले लिया मैंने। फिर मैंने बहुत सारे शल्कर्स को मारे वहाँ पे, और मैं वापस से आ गया अपने ओवरवर्ल्ड वापस आया, और मेरा एक मैंने कलेक्ट किया जो गलती से यहाँ पर आ चुका था। और फिर मैंने अपना जो घर का जो एंट्रेंस था वो मैंने बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सब कंप्लीट कर लिया पर अपना एंट्रेंस सही नहीं किया। तो लास्ट में एंट्रेंस ऐसा दिख रहा जो सही दिख रहा था। उसके बाद मैं एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग करने चला गया, एंड दी एंड मुझे 4 एंशिएंट डेब्रिस मिले। फिर मैंने उनको स्मेल्ट किया और उनको अपनी सोर्ड पर लगा दिया।
उसके बाद मैंने एक जो है अपना फार्म बनाना स्टार्ट किया जिसमें कैरेट सब मैं उगा सकता था। मैंने उसको स्टार्ट किया जो कि लास्ट में कुछ ऐसा दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था मतलब। फिर उसके बाद मैंने अपने विलेज में गया, वहाँ पर मैंने देखा मेरे सारे विलेजर ज़ॉम्बी बन गए, तो मैंने उनको सबको पकड़ा एंड वहाँ पे इस पोशन में वीकनेस डाला और उनको सबको गोल्डन एप्पल खिलाया, तो पता नहीं कैसे ज़ॉम्बी बन गए थे, वापस ठीक हो गए वो धीरे धीरे सारे। फिर मैं एक बेसन लूटने के लिए चला गया, वहाँ पर मुझे बहुत सारी लूट मिली, एक नेदरराइट का इंगट भी मिला मुझे, वहाँ पर मैंने बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक को माइन किया एंड मैं वापस आ गया। फिर मैंने एक क्रीपर फार्म बनाने के लिए मैं लग गया, क्योंकि मुझे बहुत सारा जो है मुझे गन पाउडर चाहिए था इससे, तो मैं इसको बनाने में लग गया। इसी को बनाने बहुत दिन लगे, तो इसको मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, इसमें बहुत सारे दिन तो लगे, लेकिन मैं इससे अब अपना एंशिएंट डेब्रिस का आराम से कंप्लीट कर सकता था। इसको बनाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपना जो गन पाउडर फार्म था वो मेरा ऐसे लग रहा था लास्ट में। उसके बाद मैं थोड़ी देर एफ के होने के लिए चला गया एंड फिर मैंने नेदर पोर्टल में बहुत सारे टेंट फोड़े, उस वहाँ से मिले गन पाउडर से मैंने बहुत सारे टेंट फोड़े, उससे मुझे ओवरऑल 9 जो एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके थे। फिर मैं फिर एफ के हो गया, फिर मैंने इस बार नेदर पोर्टल ज़्यादा टेंट फोड़े पिछली बार से ज़्यादा, और इस बार की बात मुझे वहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस मिले, क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारे ज़्यादा टेंट फोड़ लिए थे, इसलिए इस बार मेरे पास कमी नहीं होने वाली थी एंशिएंट डेब्रिस की बिल्कुल भी। वहाँ पर मुझे 3-3 की जोड़ी मिली साथ में, क्योंकि मैंने माइन किया एंड देन मैंने 5 जो नेदरराइट के इंगट बनाए, वो मैं 2 पहले बना चुका था, और अपना जो पूरा डायमंड का आर्मर था उस पर मैंने आधे भी लगा चुका था, फिर आधे भी मैंने सारे पे ही नेदरराइट के इंगट लगा दिया और अपने सारे जो है टूल्स उनको मैंने नेदरराइट में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास अब एंशिएंट डेब्रिस का फुल आर्मर भी हो चुका था गन पाउडर फार्म की बदौलत एंड अपने सारे टूल्स को बनाने के बाद। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ क्योंकि मेरे 2 चैलेंज कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद मैंने बीकन स्टैंड बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि बारी थी 30 चैलेंज की, मैंने बहुत सारे विदर स्टेटम को मारे और मुझे फर्स्ट एड बहुत ही जल्दी मिल गया और अपना सेकंड एड ही मुझे जल्दी मिलने वाला था, क्योंकि सेकंड एड मुझे बहुत जल्दी मिल चुका था। उसके बाद मैंने बहुत सारे ही विदर स्केलेटन को मारे मैंने फोर्ट्रेस में। फिर मुझे जो तीसरा वाला जो हेड था वो भी मुझे एंड जेन मिल ही गया, मतलब मुझे 2 दिन के अंदर अपने 3 हेड मिल चुके थे, क्योंकि मेरे पास लूटिंग 3 की पिक शॉर्ट थी इसलिए। फिर मैं माइन में गया, वहाँ पर मैंने एक विदर को स्पॉन किया, वहाँ पर मैंने एक पोशन ऑफ रिजनरेशन, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड पोशन ऑफ हीलिंग लेके गया था मैं। फिर मैंने पोशन ऑफ रिजनरेशन एंड पोशन ऑफ स्ट्रेंथ मैंने पी लिया मैंने, और फिर मैं वहाँ पर विदर को स्पॉन कराने लग गया। मैंने 3 हेड लगाए वहाँ पर एंड मैंने लास्ट हेड भी लगा दिया एंड विदर स्पॉन होने लग गया था। अब टाइम था विदर फाइट के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक भी सीन स्किप नहीं किया है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे मारा विदर को। तो फाइनली विदर जो स्पॉन हो गया, मैं सीधे चला गया उस पर अटैक करने के लिए, मैं बिल्कुल डरा नहीं उससे एंड मैंने उसको बहुत ही अटैक किए गंदे वाले, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया एंड उसकी हेल्थ देख कितनी जल्दी जल्दी जा रही है, और उसको मैंने कुछ ही सेकेंडों में 10 सेकेंडों में मैंने मार दिया उसको। उसके बाद पास से मुझे वहाँ पर बहुत सारे डायमंड मिल गए एंड मैंने अपना फर्स्ट बीकन बनाया वहाँ पर, और मैंने अपने जो गोल्ड ब्लॉक लाए थे मैंने नेदर पोर्टल से, तो उन गोल्ड ब्लॉक को लगाया एंड उसके ऊपर मैंने अपना बीकन भी लगा दिया। बीकन लगाने के बाद मैं नेदर पोर्टल में चला गया बहुत सारे गोल्ड को माइन करने के लिए, तो वहाँ से मैंने बहुत सारे गोल्ड के ओर को माइन किया बहुत सारे ही एंड दी एंड मेरे पास है ना बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक हो चुके देख सकते हो आप। फिर मैंने बड़ा वाला गोल्ड का एक बीकन बनाया 3 लेयर का, क्योंकि मेरे पास गोल्ड की कमी नहीं थी इस बार, पर मैं 4th लेयर नहीं बना पाया, मेरे पास ज़्यादा इतना गोल्ड नहीं था। फिर मैंने वहाँ पर अपना बीकन प्लेस किया, बीकन को मैंने वहाँ पर लगाया एंड जब मेरा मैंने अपना आसपास थोड़ा फ्लैट किया अपनी जगह को, वहाँ पर फिर मैं एक नेदर वोर्ड का फार्म बनाने के लिए लग गया, क्योंकि मेरा नेदर वोर्ड की कमी हो रही थी अब, तो मैं नेदर वोर्ड का फार्म बनाने लग गया एंड वहाँ पर नेदर वोर्ड मैंने लगाए एंड उसके बाद मैंने 2 डॉगीज़ को टेम किया, क्योंकि मेरे जो पुराने वाला डॉगी था वो गलती से मर गया था मेरे से, 2 डॉगीज़ को टेम कर लिए मैंने एंड उनको थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनाया मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं था मुझे पता है। फिर मैं वापस रेड कराने चला गया, मैंने वापस से उसको मारा एंड वापस से रेड स्टार्ट हो गई। इस बार जो कि इस बार वाली रेड थी वो थी आसानी से ख़त्म हो गई, क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड था
एंड वहाँ पर मैंने उन सभी को आसानी से मार दिया और मेरे आयरन गोलम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बहुत मज़ा आया इस फाइट में, पर ये फाइट हम आसानी जीत गए हम आदमी। थोड़ा बहुत कठिन भी था और आयरन गोलम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इस फाइट में। देखो आप देख सकते हो, एंड इस बार भी लास्ट वाला जो प्लेजर था उसको मैंने मारा। ये लास्ट वाला प्लेजर था इसको मैंने मारा एंड हम वापस से रेड जीत गए। हम दूसरी बार हीरो ऑफ द विलेज बन चुके थे। उसके बाद मैंने अपना जो है शुगर केन का फार्म बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पेपर भी ट्रेड करने थे, जो कि मैं एक ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला था, जो कि 10 ब्लॉक का मैं बनाने वाला था शुगर केन ये वाला फार्म। तो उसके अंडरग्राउंड मैंने इसकी चेस्ट लगाई एंड ये कम्प्लीट हो गया, ऐसे दिख रहा था फाइनली, अच्छा दिख रहा था। एंड डे 99 को मैंने कुछ ऐसा अपना जो वो था नेदरफोर्ट फार्म उसको मैंने थोड़ा डेकोरेट किया, जो कि अच्छा लग रहा था इस बारी डेकोरेट करने पर, इसको मैंने डेकोरेट कर दिया। एंड डे 100 को मैं बस घूमता रहा इधर से इधर, और मैं टाइम लैप्स की मदद से आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या बिल्ड्स किए इस वाले 100 डे की जर्नी में। मैंने बहुत बड़े बड़े बिल्ड्स भी किए। तो गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये 100 डे वाली वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप 200 वाली वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बता दीजिए, मैं 200 डे की वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।